11th अकाउंटेंसी क्लास में मैं हूं एक्यू कुरैशी, आपके लिए हाजिर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और इसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देना है। और क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। हमें दो तरीकों से ये क्लासिफाई कर रहे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, नेचर ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच। हमारे पास कुछ आइटम्स दिए गए हैं। नंबर वन है सब्सक्रिप्शन पेड, जो हम पे करते हैं, जाहिर सी बात है जो भी अमाउंट हम पे करते हैं वो एक्सपेंसेस में आता है, दैट मींस इट इज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। लेकिन यहां पर हमें दिखाना है ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक ये कौन सा अकाउंट है। हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। और देखते हैं ये कौन सा है। जब एक्सपेंसेस की बात आती है तो हमारे पास एक डेफिनेशन है नॉमिनल अकाउंट की, ऑल लॉसेस गेन्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, यानी लॉसेस हो, गेन्स हो, इनकम्स हो, रेवेन्यूज हो या एक्सपेंसेस हो, दीज आर कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच है नॉमिनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल। और नेचर ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच आपको पता है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें देखना है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ हम देखेंगे ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, इनकम है, क्या है। जब हम पे करते हैं तो ये एक्सपेंसेस हैं, लिहाजा हम दिखाएंगे, मेंशन करेंगे एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जब आते हैं तो वो कैश से निकलता है, एसेट से निकलता है। फिलहाल ये एक्सपेंसेस हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, ये पे जो भी अमाउंट हम करते हैं, दैट मींस इट इज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंडिचर की बात आती है, एक्सपेंसेस की बात आती है, ये कौन सा अकाउंट है आपको मालूम होगा, नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है। ऑल इनकम्स गेन्स लॉसेस और एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, दैट मींस इट इज ऑल्सो नॉमिनल। द नेचर ऑफ अकाउंट हियर इज नॉमिनल एंड नेचर ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच इज एक्सपेंसेस। यहाँ ये भी एक्सपेंसेस में आता है, जो भी पे होता है तो एक्सपेंसेस है। फिर दोबारा टेलीफोन, पोस्टेज और टेलीग्राम, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी यही है, यहां पर भी एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल और एक्सपेंसेस, यानी दोनों का नेचर हम दिखाते हैं तो ये नॉमिनल है और एक्सपेंसेस है। आइंदा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे वहां ये वाला ट्रेडिशनल अप्रोच भी अलग से करना है और मॉडर्न अप्रोच अलग से दिखाना है, और वहां पर अमाउंट की बात भी होगी, यहां पर अमाउंट इस वक्त नहीं दिखाते हैं। फिर कैश एट बैंक, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है, लैक्स है, 2 लैक्स है, करोड़ है, कुछ भी है, दैट मींस इट इज एन एसेट विद अस, इट इज एन एसेट विद द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के पास अगर कैश है, वो बैंक में हो या जेब में हो या कंपनी में हो, तो वो कैश जो है ये एसेट है। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लेफ्ट साइड में हम पहले लिखते हैं कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस बैंक, बैंक की बात आती है, कैश की बात आती है, तो कैश और बैंक जो है ये दोनों एसेट्स हैं। जब एसेट्स हैं ये, तो फिर क्या है, ये एसेट कौन सा चीज है, ये किस बैंक में जो पैसा है ये हमारे पर्सनल अकाउंट में है, ये एक एंटरप्रेन्योर के पर्सनल अकाउंट में है। तो लिहाजा जब एंटरप्रेन्योर के पर्सनल अकाउंट में जो है, तो फिर ये सीधी सी बात है, ये पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर नॉमिनल भी नहीं है, रियल भी नहीं है, हालांकि कैश प्रॉपर्टी भी है और किसी वक्त ये कैश जो है ये रियल भी है, लेकिन इस वक्त ये बैंक में है, लिहाजा पर्सनल अकाउंट में है। और जब कैश है हमारे पास, एसेट, यहाँ पर एसेट मेंशन होगा, तो नेचर ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच
इट इज एन एसेट हियर। परचेज इज रिटर्न अकाउंट, जब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी परचेज करते हैं या हम किसी कंपनी से परचेज करते हैं, एक रिटेलर कंपनी से परचेज करता है आइटम्स, कुछ प्रोडक्ट्स वो वापस बेचता है उस परचेज से, उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। हमने पहले ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये पढ़ा है। तो परचेज इज रिटर्न अकाउंट जो है, इसमें क्या है, इसमें ऑल ये इनकम लॉसेस गेन्स और क्या है एक्सपेंसेस, यहां पर क्या है, अगर हम प्रोडक्ट वापस करते हैं तो वहां से पैसा वापस आता है। परचेज में एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन सेल में हमें रेवेन्यू आता है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो एक्सपेंसेस हुए थे वो रिटर्न हुए तो फिर वापस आया, इसलिए दोनों सूरतों में नॉमिनल है। चाहे हम पैसा रिसीव करें या पैसा दे दें तो दोनों सूरतों में ये नॉमिनल अकाउंट है। जब हमने परचेज किया, ये परचेज रिटर्न किया, तो इसका मतलब है ये क्या था, परचेज हम प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से हम कुछ न कुछ देते हैं, यहाँ से हम कैश देते हैं, कैश जब देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर है ये एक्सपेंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट, इंटरेस्ट एक्यूर्ड, जब हमें इंटरेस्ट मिलती है अपने अकाउंट में, दैट मीन्स इट इज आवर पर्सनल अकाउंट। किसी एंटरप्रेन्योर को जब पैसों उसके अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, बैंक उसको इंटरेस्ट देता है, वो पर्सनल अकाउंट को देता है, तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट है। और जब ये इंटरेस्ट मिलती है, ये है क्या चीज, ये एसेट में इंक्रीज होती है, एसेट में इजाफा होता है, तो यहाँ पर ये एसेट है जिस पर इंटरेस्ट लगती है, जिस पर हमें इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, जिस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है वो एसेट है, यानी कैश है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ अब दूसरी बात है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इसी पर्सनल अकाउंट पर इंटरेस्ट आती है। यहाँ पर ये इंटरेस्ट जब आती है तो पर्सनल पर ही आएगी, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट है ये, रियल भी नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है, लेकिन एडवांस में जो रिसीव हम करते हैं वो हमारे पास लाइबिलिटी है, दैट अमाउंट वी हैव टू पे इन फ्यूचर, हमें वो पे करना है, इट इज द पेएबल अमाउंट इन फ्यूचर, सो इट इज लाइबिलिटी। तो यहां पर नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इट इज लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये एक एंटरप्रेन्योर को अपने एम्प्लॉइज को देना है, कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को देना है, लेकिन ये पेंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग है, लिहाजा ये सैलरी जो है ये किसी का पर्सनल अकाउंट है, जो एम्प्लॉइज हैं उनका पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट यहाँ पर एज पर दिस ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो इसको पे करना है कंपनी को, ये पे कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है ये इसके पास लाइबिलिटी है, ये देनी है किनको, एम्प्लॉइज को, लिहाजा ये लाइबिलिटी है, नेचर ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच है लाइबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आज जो हमने किया, तो इसी मेथड के और क्वेश्चंस भी हैं, आप उन पर नजर डालिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस करके कल हम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे या किसी उन दूसरे मेथड को उठाएंगे। थैंक्स।